यार ये हमेशा नदी के किनारे आने पर गोबर पे पैर क्यों पड़ता है? वीडियो में डालूंगी ये लड़का। चप्पल चुराने का दिमाग चल रहा है हम लोगों का। ये काम की जा रही है ये वाली। आता वाला पाउस गाइस, जैसे ही यहाँ पे पहुंचे वैसे ही बारिश चालू हो गई। और एक और बार रितिका हमारे ब्लॉग में और जय। बाकी हम लोग आए हैं कामठेश्वर मंदिर। ये है जूनी कामठी का सबसे बड़ा मंदिर और बाकी सारी बातें मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती हूँ। चलो तो बाकी सब लोग मेरे को छोड़ के चले गए आगे, क्योंकि मैं व्यूज लेने के चक्कर में यहीं पे बैठी थी। महाशिवरात्रि का व्लॉग देखा होगा ना आप लोगों ने, उस व्लॉग में मैंने दिखाया था ठीक गोबर पे पैर पड़ गया मेरा। फिर यार ये हमेशा नदी के किनारे आने पर गोबर पे पैर क्यों पड़ता है? तो गाइस अभी आप लोग देख रहे हो तीन नदियों का संगम, एक इस तरफ से आ रही है, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। यहाँ का ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, मैं इससे पहले एक बार आई थी लेकिन बचपन में आई थी और उस टाइम पे मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसके बाद में कभी नहीं आई। गोल गोप देखे चक्कर में गोबर पे कौन सी वाली अच्छी है? अरे नहीं इस पे पैर, ये तो अपनी वाली ही ठीक है भाई। चप्पल चुराने का दिमाग चल रहा है हम लोगों का। हर ब्लॉग में पता है क्या, आप लोगों को चप्पल के बारे में कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिलता ही होगा हर एक ब्लॉग में मेरे वाले, है कि नहीं भाई? हर ब्लॉग में चप्पल आती है अपनी, एक जूते पहने। रिसेंटली मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था और वो पूरा का पूरा जूम करके रिकॉर्ड किया था, उसमें जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ वेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें मेरी नाक और मेरा मुंह ही दिख रहा था पूरी वीडियो में। बस कौन कौन सी नदी है ये रिया को ब्लॉग में थोड़ा बताओ ना, मेरे ब्लॉग में थोड़ा। एक वैनगंगा नदी है, पचमढ़ी से भी आई हुई एक नदी है, ये जो आ रही है ये पचमढ़ी से आ रही है। और ये कामठी जा रही है ये वाली, और पचमढ़ी वाली है तो ये वैनगंगा वाली होंगी फिर। तिथपर्यंत तो जाऊ शकतो ना, तिथपर्यंत जाला काय नाही। चलो मैं तो जा रही हूँ, ये लोग नहीं आ रहे। आई एम फियरलेस पर्सन, भले ही डूब जाओ पानी में लेकिन फिर भी जाऊंगी। ये जय अच्छी वाली फोटो खींच के देना भाई, वीडियो में डालूंगी। ये लड़का फोटो निकाल के नहीं दे रहा। हे गाइस, ये पानी मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है, मन कर रहा है जाऊँ एकदम बीच में जाके खड़े हो जाओ पानी के। जिंदगी में कभी वापस ना तैरना ना आता नहीं, सिर्फ पत्थर ही मारना। सिनेमैटिक जय की तरह। वो ये देखो वो फनी कंगवा शर्मा पिसली ना गेली तो पोज बता भाई। चिलंदर ते दबून नाही बेचारा, दो दो लेके दो दो हेलमेट लेके चल रहा था आगे, पकड़ना भी नहीं हो रहा उससे। मंथन तू कुछ बोलता क्यों नहीं है, बोला कर यार, मेरे ब्लॉग में बोलना पड़ता है पता है क्या। बहुत साइलेंट हो गया बेचारा, बचपन में इतना झगड़ा करते थे हम दोनों, जानी दुश्मन थे एक दूसरे के बचपन में। और चल रहे